नमस्कार, मैं हूँ मोनिका राठौर और आप देख रहे हैं वॉइस ऑन। चलिए बात करते हैं आज के नीमच कृषि उपज मंडी के भाव। गेहूं की बात की जाए तो 6000 की आवक में तथा भाव की बात की जाए तो 1870 से तथा ज्यादा की बात की जाए तो 2235 रुपए तथा मक्का की बात की जाए तो 15 बोरी की आवक रही में भाव की बात की जाए तो 1770 तथा ज्यादा की बात की जाए तो 1770। उड़द की बात की जाए तो उड़द में 80 बोरी की आवक रही अगर भाव की बात की जाए तो 4111 रुपए तथा ज्यादा की बात की जाए तो 7291 रुपए। देखिए चना की बात की जाए तो चना में 1200 बोरी की आवक रही अगर भाव की बात की जाए तो 4337 रुपए तथा ज्यादा की बात की जाए तो 5400 रुपए। फिर डॉलर चना की बात की जाए तो डॉलर चना 250 बोरी की आवक रही तथा भाव की बात की जाए तो 4601 रुपए तथा ज्यादा में 9350 रुपए। अगर तुअर की बात की जाए तो तुअर में 4 बोरी की आवक रही अगर भाव की बात की जाए तो 5500 रुपए तथा ज्यादा की बात की जाए तो 5500 ही। सोयाबीन की बात की जाए तो सोयाबीन में 1800 बोरी की आवक रही तथा भाव की बात की जाए तो 7001 रुपए तथा ज्यादा की बात की जाए तो 9700 रुपए। लेकिन रायड़ा की बात की जाए तो रायड़ा में 310 बोरी की आवक रही तथा भाव की बात की जाए तो 7481 रुपए तथा ज्यादा की बात की जाए तो 7780 रुपए। अगर मूंगफली की बात की जाए तो मूंगफली में 80 बोरी की आवक रही अगर भाव की बात की जाए तो इसमें कम में 48 रुपए तथा ज्यादा में 6130 रुपए। मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में 80 बोरी की आवक रही अगर इसके भाव की बात की जाए तो 4800 कम में तथा ज्यादा में 6130 रुपए। अगर पोस्ता की बात करें तो पोस्ता में 0 बोरी की आवक रही भाव की बात की जाए तो 1,31,000 रुपए तथा ज्यादा की बात की जाए तो 1,85,500 रुपए। अगर मेथी की बात करें तो मेथी में 600 बोरी की आवक रही अगर भाव की बात करें तो 5301 रुपए तथा ज्यादा में 8080 रुपए। अगर अलसी की बात की जाए तो अलसी में 290 बोरी की आवक रही कम की बात की जाए तो 8150 रुपए तथा ज्यादा की बात की जाए तो 8600 रुपए। अगर धनिया की बात की जाए तो धनिया में 900 बोरी की आवक रही तथा भाव की बात की जाए तो 4501 रुपए तथा ज्यादा की बात की जाए तो 7701 रुपए। वहीं अगर अजवाइन की बात की जाए तो अजवाइन में 250 बोरी की आवक रही अगर भाव की बात की जाए तो 8750 रुपए अगर ज्यादा की बात की जाए तो 12900 रुपए। इसबगोल की बात की जाए तो इसबगोल में 650 बोरी की आवक रही अगर भाव की बात की जाए तो कम में 12591 रुपए तथा ज्यादा में बात की जाए तो 13730 रुपए। वहीं असगर की बात की जाए तो 1100 बोरी की आवक रही तथा भाव की बात की जाए तो 18000 तथा ज्यादा की बात की जाए तो 23000 रुपए। अगर लहसुन की बात की जाए तो लहसुन में 11000 बोरी की आवक रही वहीं भाव की बात की जाए तो 1500 कम में तथा ज्यादा में 9000। अगर जौ की बात की जाए तो जौ में 20 बोरी की आवक रही तथा कम में 2145 तथा ज्यादा में 2238 भाव। अगर मसूर की बात की जाए तो मसूर में 60 बोरी की आवक रही तथा भाव की बात की जाए तो भाव कम में 5701 रुपए तथा ज्यादा की बात की जाए तो 7270। कलौंजी की बात की जाए तो कलौंजी में 200 बोरी की आवक रही भाव की बात की जाए तो 13700 तथा ज्यादा की बात की जाए तो 22652 रुपए। तिल्ली की बात की जाए तो तिल्ली में 140 बोरी की आवक रही भाव की बात की जाए तो 6300 रुपए तथा ज्यादा की बात की जाए तो 10891 रुपए। वहीं जीरा की बात की जाए तो जीरा में 0 बोरी की आवक रही वही भाव की बात की जाए तो 6700 रुपए तथा ज्यादा की बात की जाए तो 12600 रुपए। चिरायता की बात की जाए तो 70 बोरी की आवक रही तथा 2420 रुपए से कम में तथा ज्यादा में 250 रुपए। देखिए तुलसी बीज की बात की जाए तो 40 बोरी की आवक रही अगर भाव की बात की जाए तो 10300 रुपए अगर ज्यादा की भाव की बात की जाए तो 30000 रुपए। देखिए प्याज की बात की जाए तो प्याज में 700 बोरी की आवक रही तथा इसके भाव 225 रुपए कम में तथा ज्यादा में 1554 रुपए। तो ये थी सबकी नीमच कृषि उपज मंडी के भाव या अपने जाने से तमाम जानकारी और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए वॉइस ऑन। जय हिंद, जय भारत।